हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ वैम्पायर पर बेस्ड रोमांटिक ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डबडे में मिल जाएगा। और सभी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है, जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड देखना, ओके? और आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 5 सितंबर पर ड्रामा है माय वैम्पायर बॉयफ्रेंड। एक आउटस्टैंडिंग सुपर पावर मिनी ड्रामा है जो एक तरह से एंटरटेनमेंट का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और इसलिए तो इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको वुमेन और वैम्पायर के बीच एक हॉट रोमांस वाली ग्रिपिंग प्लॉट देखने मिल जाएगा जो आपको पूरे 12 एपिसोड तक एंगेज करके रखेगा। और क्योंकि एक मिनी ड्रामा है इसलिए मैं भी आपको इसका प्लॉट शॉर्ट और सिंपल वे में ही बताऊंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा ना बर्बाद हो। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जूलियन की, जो अपने कॉलेज में दो भाई मुयान और ज्यू से मिलती है। क्योंकि वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होते हैं इसलिए जूलियन को भी अपने फर्स्ट साइड में ही उन दोनों का अफेक्शन हो जाता है और मुयान को भी जूलियन से प्यार हो जाता है। पर बाद में जूलियन को पता चलता है कि मुयान और उसका पूरा परिवार वैम्पायर है, जिसका कनेक्शन जूलियन के फादर के मिसिंग केस से है। और मुयान के फैमिली को भी लगने लगता है कि जूलियन हंटर्स के ग्रुप से बिलोंग करती है जिनका काम वैम्पायर्स को हंट करना है। तो अब इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच मुयान और जूलियन की लव स्टोरी का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी फैन डब्ड में देख सकते हो। और अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 4 सितंबर पे ड्रामा है वैम्पायर फ्लावर। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7 की। इस ड्रामा को कोरिया की ट्यूबलाइट भी कहा जाता है क्योंकि दोनों की स्टोरी बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ कोरियन वर्जन में कोरियन ड्रामा का टच दिया गया है जिसकी वजह से ये ड्रामा और भी ज्यादा एडोरेबल और रोमांटिक बन गई है। ड्रामा की स्टोरी है लुइस नाम के वैम्पायर की, जो कई सालों से एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मेलिंग ब्लड हो, क्योंकि वही वो लड़की है जो वैम्पायर फ्लावर को ढूंढ सकती है, जिस फ्लावर की मदद से वैम्पायर गॉड बन सकते हैं। और इसीलिए लुइस ढूंढते ढूंढते एक दिन एक फ्लावर शॉप पे पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ उस फ्लावर को ढूंढने एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ते हैं जो उन्हें वैम्पायर लैंड में मिलेगा, जिसका रास्ता बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इस सफर में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और उसके बाद इन दोनों के साथ क्या होता है यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। वैसे ये एक परफेक्ट ड्रामा तो नहीं है, पर इस ड्रामा में आपको सफिशियंट अमाउंट का रोमांस, एडवेंचर और थ्रिल का एक बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलेगा। वैसे ये ड्रामा सिर्फ 1 घंटे का है, जिसे आप अपना कीमती टाइम निकाल कर इसे यूट्यूब पर देख सकते हो। मुझे माफ कर दो। मरना ही चाहती हो तो दूसरों को मत घसीटो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लव इन टाइम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7 की। इस ड्रामा की स्टोरी है रॉय नाम के वैम्पायर की, जिसकी दुश्मनी रेड वैम्पायर से होती है, जिसकी वजह से रेड वैम्पायर उसके प्यार को मार देता है। रॉय एक एफेटिक वैम्पायर रहता है जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, पर वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है, और अब कुछ कारणों की वजह से उसे ना चाहते हुए भी अर्थ पर रहना होगा। और इसी वजह से वो इंसानों के बीच सर्वाइव करने के लिए वो अपना एडमिशन एक कॉलेज में ले लेता है, जहां उसकी मुलाकात कोइंसिडेंटली बार बार एक पुअर और मासूम लड़की लोकी लान से होती है, और धीरे धीरे रॉय उसके लिए लव फील करने लगता है, पर ऐसा नहीं चाहता और इसलिए वो अपने दिल को बहुत रोकता है, पर फिर भी वो उससे प्यार करने लगता है, जिसकी वजह से रेड वैम्पायर उसके प्यार को फिर से मानना चाहता है। और अब रॉय अपने प्यार को बचाने के लिए किस हद तक जाता है यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, इंप्रेसिव थीम और एक वैम्पायर और इंसान के बीच स्वीट लव स्टोरी देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को प्रिफर कर सकते हो। ये पूरी ड्रामा आपको अनऑफिशियल फैन डब्ड में मिल जाएगी। रोसरिन नाम की एक वैम्पायर का 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है बैंकॉक वैम्पायर। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा की स्टोरी है रूजन नाम के वैम्पायर की, जिसकी बहन मिस्टीरियसली शहर से गायब हो गई है, और कोइंसिडेंटली एक के बाद एक कई लोग शहर से गायब होने लगे हैं, जिसके बाद रूजन अपने साइकिक पावर का यूज करके अपनी बहन को ढूंढने लगती है, और उसी दौरान वो एक आईकी गिक नॉक के प्यार में पड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर गायब हुए लोगों को ढूंढने लगते हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि एक इवल वैम्पायर जिसका नाम बॉस है, बॉस कुछ स्पेशल ब्लड को कलेक्ट कर रहा है एक रिचुअल को पूरा करने के लिए, जिसे पूरा करने के बाद वो बहुत सारे डार्क मैजिक को अपने वश में कर लेगा और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब रूजन को इवल वैम्पायर से लड़कर उसे रोककर अपनी बहन को बचाना होगा, नहीं तो बैंकॉक शहर पर इवल वैम्पायर का राज हो जाएगा। तो अब क्या रूजन ऐसा करने में कामयाब हो पाती या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। एक बहुत ही टेरिफाइंग रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें आपको स्वीट लव स्टोरी, फैंटेसी और टेरिफाइंग मिस्ट्री देखने को मिलेगा, और ये सभी क्वालिटीज इस ड्रामा को एक लाजवाब ड्रामा बनाती है, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक वंडरफुल सुपर पावर रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि इस ड्रामा में वैम्पायर और हुमन रोमांस जैसे फैसिनेटिंग थीम को हिस्टोरिकल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है जो इस ड्रामा को थोड़ा चीजी बना देती है। पर इस ड्रामा की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गार्डियन वैम्पायर श्योंगयुल की, जो 120 सालों से वैम्पायर बनकर घूम रहा है सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए, जो है वैम्पायर किंग गिवी से अपने फ्रेंड फैमिली और लवर के मौत का बदला लेना। और वहीं दूसरी ओर यांग शेन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी जो अब कुछ रीजंस की वजह से अपना डिस्गाइज आदमी में बदलकर रहती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात श्योंगयुल से होती है और ये दोनों मिलकर लेट प्रिंस जुंगयुंग के मेमोरेंडम को ढूंढने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ते हैं जिस मेमोरेंडम में गिवी को मारने का सीक्रेट है। तो इस एडवेंचर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे रोमांटिक कनेक्शन बनते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग सुपर पावर रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 रोमांटिक कॉलेज लाइफ कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।